सो है गाइस, गुड मॉर्निंग सबको. और सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, पर कोई बात नहीं. आप लोग सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ. मुझे एक्चुअली खुद नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है. तो अभी मुझे सुबह सुबह उठने के बाद मुझे पता चला है कि मुझे कहीं जाना है. तो इसलिए मैं अभी तुरंत से रेडी हो चुकी हूँ. अभी सुबह के 6 बज रहे और मुझे कहीं जाना है कुछ काम से. तो मैं अभी निकलूंगी और मेरे साथ आज जाएगी एक आंटी जाएगी, तो उसे भी वहां से रिसीव करने जाना है सीकेपी से. तो फिलहाल तो मैं गांव में हूँ, तो यहाँ से सीकेपी जाएंगे, फिर वहां से आंटी को रिसीव करेंगे, फिर उनके साथ जाएंगे. तो एकदम कैजुअल सा है, सिंपल सा है, क्योंकि मुझे गाड़ी भी ड्राइव करना है, स्कूटी चलाना है. स्कूटी चलाना पड़ेगा इतना ठंड में सुबह सुबह. आज का मौसम भी अजीब सा, बहुत ठंड लग रहा है बाहर. तो इसलिए मैंने सिंपल सा टॉप जींस पहन लिया है. और चलो चलते हैं, तब वीडियो पे बने रहो, दिखाते हैं आप लोगों को कैसा, मतलब क्या आज होने वाला है. तो कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या काम है, तो सब चीज आप लोगों को दिखाएंगे. तो वीडियो पे अभी हम जा रहे हैं. मम्मी चाय पी रही है. गुड मॉर्निंग बोलो मम्मी. गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सुबह सुबह निकल रहे हैं और स्वेटर भी पहन चुके हैं क्योंकि काफी ठंडा लग रहा है. तो अब जाते हैं. अभी मैं निकल रही थी तो एक जन को देखी, सुबह सुबह बंदर बनी हुई है. वो देखी, सुबह सुबह ऊपर लटकी हुई है. क्या तोड़ रही हो? कद्दू नहीं, लौकी बोलते ना. लौकी तोड़ी वो, लगा हुआ है छत में, दिख रहा होगा हल्का हल्का. और तो मन अच्छी एक टू कहता है कि ना. ओ अभी मैं जाती हूँ. सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ आंटी के यहाँ पर. उनका घर मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा है, तो वो आ रही है. मैंने फोन कर दिया है उसे, वो अभी आ रही है. तो मैं भी यहाँ वेट कर रही हूँ. उनका घर जो कि काफी खूबसूरत और बड़ा है गाइस, ऐसा घर हम लोग सपने में ही देख सकते हैं, कभी मिल तो नहीं सकता. तो वाह, तैयार भी नहीं है. आंटी के घर में छोटा छोटा खरगोश है, देखिए. हमको भी दीजिए, हम भी ले जाएंगे. हाँ तो बिल्ली है, कुत्ता है, सब है, खरगोश क्यों नहीं रखने देगी. बिल्ली है? हाँ. रेबिट मुझसे मिलने आए हैं. हे रेबिट, दोस्ती करोगे? हेलो. हाय गे, आओ, ये मेरे नेल्स खा रहे हैं. कितना सॉफ्ट है, वाव. एक और आ गया. हेलो, ये एक और आ गया. ओ माय गॉड, कितने सारे, कितने क्यूट क्यूट. हेलो, तब का कान खड़ा हुआ. आउच, ये मुझे काट रहे हैं, बदमाश. Ouch! Say hi to my vlog rabbit. Say hi. Hi, बोलो. अब मेरा माल कितना खराब हो गया. देखो. Hello, बोलो. Hello. ये तो मुझे ही खा जाएगा. चिश. गुदगुदी लग रहा है. मैं जा रही हूँ. Bye. फिर मिलेंगे हम लोग दोस्त, फिर मिलेंगे, बाय. ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे भी ले चलो बोल रहे हैं. मैं फिर कभी तुम्हें ले जाऊंगी. क्या आंटी लोग का छत है. ओह माय गॉड, मैं तो थक चुकी. कहाँ है सुनील? सुनील तो इधर है नहीं. ये क्या है पूरा? वाह, फूल सब है, देखिए.
गार्डनिंग, आंटी को बड़ा गार्डनिंग का शौक है इसलिए लगा के रखी है। थक गए हो? ओ माय गॉड, इतना सारा खरगोश, ओ माय गॉड, हाय। तब बड़ा बड़ा है, मतलब वो सारे बेबीज है इनके। गाइस अगर किन्नी को रैबिट्स लेना है तो प्लीज कमेंट कर रहे, क्योंकि यहाँ काफी सारा है। आई थिंक आंटी लोग बेचती भी होगी अभी, तो ये सब मैंने नहीं पूछा है, पर अगर किसी को चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं। गाइस कितना क्यूट है, मुझे भी चाहिए। गाइस टोटल बताइए कितने रैबिट्स है, कमेंट करके जरूर बताइए कितने को रैबिट्स है। नीचे जाते हैं, काफी सुंदर घर है। गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, आंटी भी रेडी हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं। वो रही आंटी, आ रही है, अभी हम लोग जाएंगे, निकलते हैं, तो चलिए। जगह हम लोग पहुंच चुके हैं और काफी दूर है रास्ता, तो इतना डेंजरस रास्ता से पार जितना चलाए, मेरा हाथ पूरा खराब हो गया, देखिए छापा पड़ गया, हाथ सब लाल हो गया मेरा हाथ, माय गॉड। अब चलिए अंदर जाते हैं। हे गांव, गांव आए हुए हैं, इधर पूजा हो रहा है, तो ही पेंटिंग चल रहा है। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, आंटी का गांव टेपासई में है अभी हम लोग इस वक्त। आप लोग दिखा रहे हैं बगान वगान बहुत कुछ है। तेरा आंटी पौधों में पानी डाल रही है। अभी हम लोग आंटी के घर आए हुए हैं और यहाँ थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ जहाँ हम लोग गए थे कुईड़ा, वहाँ से टेपा से ही सामने होता है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ आए हैं, रुकेंगे थोड़ा देर, रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि आज का मौसम सुबह बहुत अच्छा था, बहुत ठंड लग रही थी सुबह में, और अभी देखिए कितना धूप कर रहा है, बहुत गजब वाला। चलाते चलाते मेरा हालत खराब हो जा रहा है, क्योंकि रास्ता उतना ठीक नहीं है, रास्ता बना नहीं है, बहुत गड्ढा है, रास्ते का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो भूख लगना भी स्टार्ट हो गया, तो निकलेंगे अभी कुछ देरी में। पहले थोड़ा अभी सबको पता है कि समर सीजन है, और समर सीजन में क्या होता है, गाँव देहात में ट्रेंड चलता है इसका, महुआ पेड़ अभी गिर रहा है, तो वो दादी अम्मा चुन रही है। काफी धूप है यार, देखिए हर तरफ पेड़ पेड़ पेड़। और गाइस ये देखिए मेरे पीछे क्या है, ये जो स्कूल है वो
स्कूल जो है वो टेपा से ही स्कूल है जहाँ मेरी दीदी पढ़ा करती थी, और भी काफी लोग पढ़ते थे मेरे गांव से। तो कमेंट में बताना कौन कौन इस स्कूल में पढ़े हैं। काफी बड़ा स्कूल है पर यहाँ पेड़ पेड़ की वजह से ना उतना ठीक से दिख नहीं रहा है, पर ये काफी बड़ा है वहां से इधर तक। दूर रहने से नहीं आता है ना। इधर स्कूल दिखाना ना, आता है ना स्कूल इधर। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और आने टाइम बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गया था और इधर भी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, और मैया लोग इमली उमली चुन रही है, इमली उमली पूरा गिर रहा है तो पूरा चुन रही है ये लोग। इधर जिम्मे ने मलंग तरह हम लोग की मैया इतना चमकी है, देखिए हवा कर रहा तो सब चुनने आ गए। आम दो डमरू डमरू का ये वाला इतना ज्यादा हम तो कम हलंग देरी को के नहीं पाओ जूद ना। अभी देखिए इमली तोड़ रहा है, गिर नहीं रहा तो पत्थर से मार रहा है। हाँ क्या कर रहा है, वाह इतना अच्छा डांस कर लेता है, इतना अच्छा पढ़ भी लिया करो, डरता है हमसे गधा। उधर मेरे चाचा लोग पुआल वाल को छेक रहे हैं क्योंकि बारिश आने से खराब हो जाएगा इसीलिए। तो गाइस आज का वीडियो यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप लोग को आज का वीडियो जो है पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।